संविदा का स्कीम लेके आ रहा है। संविदा में क्या हो जा रहा है कि 25% वेटेज दे दें अदर स्टूडेंट को। इसमें ये क्या हो जा रहा है कि सर 400 का मेरिट एग्जाम बनता है, 400 में सर आप 134-133 नंबर सर आप सीधा उसके हाथ में दे रहे हैं। सर हम लोग 280 नंबर लाके सर अनसेलेक्टेड है, वो लड़का 170 नंबर में। एक बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखता, लेकिन आप लोग इंजीनियर बन के भी बेरोजगार है। बेरोजगार है अभी तक। 2017 से कंबाइंड वैकेंसी नहीं आई है, ऐसा हाल है। 9 साल 10 साल हो गया है, बच्चे कितने दिन तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग करके बेरोजगार है, लोगों के इंजीनियर कहने में शर्म आ रहा है। अच्छा, जब बिहार में भी सुनने में आती है जहीं कहीं पुल गिर गया तो इंजीनियर ने गिरा दिया, इंजीनियर ने ऐसा काम किया। सर इंजीनियर गिरा दिया क्योंकि वो ठेका पे रख रहे हैं। कभी अंतर की एक ही डिमांड है, इंजीनियर्स मांगे एक ही डिमांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। अभी हमारे साथ ये देख रहे हैं क्रांतिकारी छात्र है, जेई क्वालिफाई किए हुए और इंजीनियर है, वो जिसका सपना होता है एनआईटी से हम इंजीनियरिंग करेंगे। ये सारे बच्चे जो है एनआईटी से इंजीनियरिंग किए हैं और अभी ये बेरोजगार है, तो इनसे बातें करेंगे, इनका क्या मांगे है। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? श्रेष्ठ नाम कुमार। श्रेष्ठ, क्या मांगे आपका? सर मांग सिर्फ इतना है कि जो वैकेंसी आ रही है बीपीएससी ए में सर, वो कंबाइंड वैकेंसी आनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि सेपरेट डिपार्टमेंट अपना सेपरेट वैकेंसी। एक्चुअली बात ये है कि जब यहाँ पर हम देखे, जब यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि 10 लाख वैकेंसी दे रही है, तो हम क्यों दूसरे स्टेट में जाके काम करें या फिर हम कोई भी करें, क्यों नहीं हम अपने होम स्टेट में काम करें। अच्छा, है ना। तो इस चीज को देख के, इस चीज को हम लोग ये देख के फिर जब हम लोग इधर टर्न किए कि चलो हम लोग अपने बिहार में देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना डिफरेंट एग्जाम ले रही है। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से संविदा का स्कीम लेके आ रहा है। संविदा में क्या हो जा रहा है कि 25% वेटेज दे दें अदर स्टूडेंट को। इसमें यह क्या हो जा रहा है कि सर 400 का मेरिट एग्जाम बनता है, 400 में सर आप 134-133 नंबर सर आप सीधा उसके हाथ में दे रहे हैं। सर हम लोग 280 नंबर लाके सर अनसेलेक्टेड है, वो लड़का 170 पर 180 नंबर लाके कोई दूसरा कह रहा है। दिखा सर 25% जो मार्क्स दे रहे हैं सर। देखिए, अगर कोई एक प्रेशर बच्चा है सर, अगर 400 में वो 300 नंबर लाता है उसका नहीं होता, लेकिन ये देखिए ये 400 में 194 नंबर लाए हैं तो इनका 37.5% मार्क्स बना है, उसको 25% वेटेज दे के 62.5 कर दिया। आप बताइए सर, ये 25% मार्क्स उसको फ्री का दिया जा रहा है। ये 400 में लगभग ये 400 में 125 नंबर मिल जाता है सर, इन लोग को 400 में 125 मिल जाता है सर, 134 मिल जाता है जो संविदा वाले को 25% मार्क्स फ्री से बिना एग्जाम लिए हुए फ्री का दिया जा रहा है। अच्छा, और उसके बाद अगर वो 400 में 160 नंबर भी लाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक हम प्रेशर है, 400 में 300 नंबर लाएंगे फिर भी हमारा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गारंटी है। क्या मांगे सर? हम लोग का यही मांगे कि कंबाइंड वैकेंसी चाहिए। नीतीश कुमार को सर यही लगता है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से ही मतलब देश चलेगा, सॉरी मतलब राज्य चलेगा, ठीक है? बिल्कुल, आप सबका एक ही मांग है कि कंबाइंड वैकेंसी हो। सर हम लोग के 4-5 पॉइंट है सर बोलने के लिए। सबसे पहले जब तेजस्वी की सरकार आई थी सर, जब वो मंत्री थे, ये 25% का कॉन्सेप्ट लाए, लगभग 130-140% जो पॉइंट दिया, मतलब 130-140 नंबर बिना एग्जाम दिए ही वो ज्यादा हो जाएगा, और इसमें बहुत करप्शन होता है सर, आए दिन इसका देखने परिणाम में। आपकी क्या कहना है? जैसे मेनली कहने का मतलब क्या है कि 2017 में अप्रोक्स 17 सितंबर को एग्जाम हुआ था, सब सितंबर वापस आ गया, 7 साल हो गए, कंबाइंड वैकेंसी आया नहीं है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, कभी कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगा और उसके बाद बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, गेट पर होगा, तो ये कोई तरीका नहीं ना है। अच्छा, आप लोग इंजीनियर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, 2021 पास आउट हुए। हां, बीटेक कंप्लीट है, बीटेक कंप्लीट है, 6 साल से तैयारी भी कर रहा है, बीटेक वाली है, वो 6 साल हो गया। आपकी क्या कहना है? देखिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, दो तरीका होता है इंजीनियर को जॉब लेने के लिए बिहार में, तरीका दो है। पहला जेई लेवल पर, तो यहाँ पर क्या कर दिया है, जेई लेवल पर बीटेक का बंद कर दिया है, बीटेक वाला फॉर्म भर ही नहीं सकता है, तो वहाँ तो मेरा क्लोज हो गया, वहाँ एग्जाम हम दे नहीं सकते हैं। अब आता है असिस्टेंट लेवल पर, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए दो तरीका, जेई असिस्टेंट, जेई बंद कर दिया, अब आया असिस्टेंट, असिस्टेंट आया तो इसमें भी कंबाइंड, पहले 17 तक कंबाइंड एग्जाम होता था, ठीक है, वहाँ के बाद क्या क्या है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर लेना स्टार्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पर लेते लेते क्या किया, जब कॉन्ट्रैक्ट वाला का 5 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है, वो लोग का नंबर दे देता है, 25% नंबर दे देता है। तो जो गेट के थ्रू नहीं गया है, ठीक है, एग्जाम का मतलब क्या होता है कि एक एग्जाम लीजिए आप, ग्रेजुएट जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो लेके आइए, एग्जाम दीजिए, पास करिए, आप अपना जॉब, आप अपना जॉब लीजिए। हर जगह यही होता है, जैसे बीपीएससी पीसीएस में आप ग्रेजुएशन है, आप
आप ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो इतनी धूप में बच्चियां भी यहां खड़ी है, आप लोग क्या मांग है? कंबाइंड वैकेंसी चाहिए सरकार से। अच्छा, आप कहां से एनआईटी इंजीनियरिंग बने हैं? इंजीनियर बने नीतीश कुमार के डिस्ट्रिक्ट से, नालंदा से है। अच्छा, नालंदा से। आप कहां से किए? पटना से, मतलब मेरा भी कॉलेज वही था नालंदा। अच्छा, कौन सा ईयर में आप लोग कंप्लीट किया? 2020 में ही पास आउट हम लोग हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे हम अपने मौजूदा सरकार से? यही चाहिए कि कंबाइंड वैकेंसी दीजिए, जिससे जिसके वजह से हम लोग का सिलेक्शन हो पाए, थोड़ा थोड़ा सी हर एक साल आए। अच्छा, आप लोग इंजीनियर बन के भी बेरोजगार? हाँ सर, बेरोजगारी है, आता भी है इस साल, बाय द वे मेरा नहीं होता है, तो फिर से मुझे 5 साल फिर से वेट करना होगा। अच्छा, एक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखता है, लेकिन आप लोग इंजीनियर बन के भी बेरोजगार? बेरोजगार है अभी तक। यही सब रीज़न है कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार सिर्फ 46% ही सीटें भरी है, ऐसा मैंने एक न्यूज़पेपर में कुछ ही दिन पहले। अच्छा, आपने न्यूज़ में देखा है कभी बिहार में जो है इंजीनियरिंग सीट जो होती है बच्चों के लिए उसमें 46% ही सीट इस बार भरी हुई है और 54% सीट वैकेंट रह गया है। अच्छा, वैकेंट रह गया, बच्चे कम इसमें अब रुचि ले रहे हैं। यहाँ पे आगे का सिक्योरिटी आप दे ही नहीं रहे हो, बस डिग्री दे रहे हो गया, अब जाओ। अब कॉलेज 38 खोल दिया, 38 कॉलेज खोल दिया, तो बच्चा कहाँ जाएगा? सब तो यहीं आएगा, हर साल बच्चा पास आउट हो रहा है। और इंजीनियरिंग करके भी क्या होगा, ये रोड पे ही खड़ा होना होगा। और इंजीनियरिंग करके भी सर आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दीजिएगा? जो एक तो यहाँ बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम लोग जैसा जो मिडिल क्लास बिलो मिडिल क्लास का लड़का रहता है वही इंजीनियरिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पैसा कम लगता है, यहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो दूसरे स्टेट में मिला जाता है। उसके बाद पास आउट होने के बाद ना ही यहाँ कोई जॉब प्रोवाइड किया जाता है, कोई पब्लिक सेक्टर या कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं आता है। तो क्या करता है स्टूडेंट, अपने दम पे बीपीएससी एई के थ्रू एग्जाम होता था, एक जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, वो उसका तैयारी करता है। उसको ये क्या किया सरकार ने कि बंद कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाना स्टार्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाना, इसका मतलब क्या होगा कि 5 साल के लिए आप करिए फिर उसके बाद? सर कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है जैसे गेट के थ्रू लिया जा रहा है, दो साल के लगभग अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है तो वो लोग क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में ही रहना है, बातों निकल जाना, जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आएगा नहीं, तो वो अपना घुसखोरी करता है, करप्शन करता है पूरी तरह। और 5 साल बाद तो कोई जिम्मेदारी आएगी नहीं। हाँ, और हम लोग अगर परमानेंट बनते हैं असिस्टेंट इंजीनियर तो जो भी होगा हम लोग अपना जिम्मेदारी उठाएंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे, कोई करप्शन नहीं होगा। बिहार सरकार को फायदा होगा। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, इसीलिए क्या हो रहा है, पुल गिर रहा है। सर हम भागलपुर कॉलेज भागलपुर से किए, बीसीए से करके भी जो कि बिहार का सबसे टॉप कॉलेज है वहाँ से करके मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, और ये जब लेके आ रहे हैं तो बीपीएससी के थ्रू वैकेंसी नहीं देते, उसमें भी कंबाइंड वैकेंसी नहीं देते और कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आते हैं, कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि 2 दिन में एग्जाम हो जाता है सर। अब 2 दिन में जब एग्जाम आप ले लेते हैं तो 15 दिन में रिजल्ट दे सकते हैं। आप जो है झूठ मूठ के बहाना बना रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में तो राम राम जपते हैं, कह देते हैं कि हाँ हम जो है दे रहे हैं, लेकिन बगल में छुरी रखे हुए काट लेते हैं। देते तो हैं लेकिन उसको उस तरह से देते हैं कि आपकी झोली भर जाए लेकिन हम लोग जो है ना खाली रह जाए, हम लोगों को सीट ना मिले लेकिन उन लोगों को सीट मिल जाए जो लड़के उसके लायक हैं ही नहीं। बच्चों का सपना होता है कि एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग करे और इंजीनियरिंग करके भी आज आप रोड पे खड़ा है। यही हमारे बिहार की सबसे बड़ी विनम्रता है कि बिहार के जो अभी करंट मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री से पहले खुद एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, हम उन्हीं एनआईटी पटना के स्टूडेंट हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई आपकी? जी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, कंप्लीट हो गई लेकिन रोजगार नहीं है बिहार में। अच्छा, नीतीश सरकार ने जब आई थी मुख्यमंत्री जी ने इसी गांधी मैदान के धरती पे इसी गांधी प्रतिमा के नीचे उन्होंने वादा किया कि 10-12 लाख वैकेंसी देंगे। हाँ। लेकिन हम लोगों को इंजीनियर रहते हुए इंजीनियर को नहीं देखा जा रहा है, वो टीचर की वैकेंसी ला रही है, सिविल सर्विस की ला रही है, लेकिन इंजीनियर की कोई सुनने वाला रहा है। इंजीनियर खुद भी इंजीनियर है फिर भी इंजीनियर की नहीं सुन रहे, खुद भी इंजीनियर है नहीं सुन रहे तो कौन सुनेगा बताइए। ऐसा ही है, हम लोगों का 2017 से कंबाइंड वैकेंसी नहीं आई है, ऐसा हाल है, 9-10 साल हो गया है, बच्चे कितने दिन तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग करके बेरोजगार है, लोगों के इंजीनियर कहने में शर्म आ रहा है। अच्छा, जब बिहार में भी सुनने में आती है कहीं पुल गिर गया तो इंजीनियर ने गिरा दिया, इंजीनियर ने ऐसा काम किया? सर इंजीनियर गिरा दिया क्योंकि वो ठेका पे रख रहे हैं। अच्छा, आप रेगुलर इंजीनियर को लाइए, ऐसा व्यवस्था है बिहार में कि 4500 सीट है सहायक अभियंता की, लेकिन उसमें 2500 सीट खाली है। अच्छा, और हम लोग टैलेंट रहते हुए सब चीज रहते हुए आज वैकेंसी नहीं आ रही है। अच्छा, क्या सीधी बात करें तो आपकी क्या मांग है? मांग ये है कि हम लोगों का सभी विभाग का एक साथ वैकेंसी दे। अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोग को बिल्कुल नहीं पसंद है ये। अच्छा, बहाली कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी पे ना ही लाया जाए।
अच्छा, इस तरह से हाल रहेंगे तो आने वाले जनरेशन कैसे जेई की तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे जब बच्चे परिवार। एक मैं डाटा ये देना चाहता हूँ कि बिहार में 38 जिला है, नीतीश कुमार ने 38 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, लेकिन अभी का देखिए काउंसलिंग चल रहा है, 3-4 ये होने के स्टेज होने के बाद भी 50% से ज़्यादा सीट खाली है। बताइए, इंजीनियर बनना नहीं चाह रहे हैं और गार्जियन बनाना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इंजीनियर की बहाली नहीं है बिहार में। अच्छा जी, क्योंकि इंजीनियर की बहाली नहीं है, बच्चे इंजीनियर बनना नहीं चाह रहा, इसलिए सीट खाली रह जा रही है। तो मुद्दा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जा रहा है, ये सरकार रीज़न देती है कि हमें इमीडिएट इफेक्ट में इंजीनियर्स की ज़रूरत है। इमीडिएट इफेक्ट में मतलब उनको तुरंत चाहिए काम करने के लिए, कोई टेंडर निकला होगा उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करवाने के लिए। तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यानी कि हिंदी में संविदा आधार पे आप इंजीनियर्स रिक्रूट करते हैं, उसके अलावा आप एक परमानेंट एग्जाम लेते हैं जो कि लीगल वे है एग्जाम के थ्रू किसी भी पोस्ट को भरने के लिए। हम इंजीनियर्स के लिए रेप्यूटेड जॉब है यही बनना, उसी जॉब को ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लेते हैं गेट के स्कोर के आधार पे, जिसका कोई एग्जाम नहीं होता है। वो गेट के स्कोर पे जब ले रहे हैं तो वो फेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कैंडिडेट्स वैलिड स्कोर लेकर जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता, ये बहुत अनफेयर है, पैथेटिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आप उसी एग्जाम को फिर परमानेंट जॉब बनाकर बीपीसी ए एग्जाम के थ्रू लेते हैं। अब क्या हुआ, वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले कैंडिडेट्स को लिए हैं, वो इस एग्जाम में परमानेंट होने के लिए बैठते हैं क्योंकि वो टेम्पररी पे है अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले। अब वो जब परमानेंट होने के लिए इस एग्जाम में बैठते हैं तो इस एग्जाम को जब देते हैं तो हम फ्रेशर और वो कॉन्ट्रैक्ट वाले, जब हम फ्रेशर आउट ऑफ 400-300 मार्क्स स्कोर करते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वालों को फ्री में 25% वेटेज दिया गया जिसके कारण उनका 150 नंबर ला के भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कैसा फेयर प्रोसेस है? ये जो आप देख रहे हैं सारे बच्चे इंजीनियर हैं और ये अपनी मांगे मांग रहे हैं सरकार से कि कंबाइंड वैकेंसी लाया जाए और जो आरक्षण दिया गया जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बच्चे जाते हैं उनको 25% का उसको हटाया जाए। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तब तक के लिए।